सुपरपोजिशन ऑफ वेव। शुरू करें टॉपिक। कल हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो आज उसका मैथमेटिक्स देखेंगे। याद है सभी को एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? यह वापस से रिपीट करके देखना है क्या? एंड्रॉयड ऐप। कल किसके किसके फ़ोन थे? है अभी ऐप उसमें तो दे दो। एक और किसका फ़ोन था? दोनों फ्रीक्वेंसी जनरेटर पे मैंने सेम फ्रीक्वेंसी लगाया 420 हर्ट्ज। और सुन लो एक बार आवाज़। ठीक है, 420 हर्ट्ज। सो वी हैव टू साउंड वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। क्या हो रहा है? दोनों का इंटरफेरेंस तो हो रहा है, बट यू आर गेटिंग लाउडर साउंड। तो और कोई खास बात नहीं हो रही है। नाउ लेट अस चेंज द फ्रीक्वेंसी। एक का 420 हर्ट्ज रखते हैं और दूसरे का 422 करते हैं। एंड लिसन टू द साउंड। आ रहा है बीट साउंड। और बढ़ाते हैं, 423 करते हैं। 3 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है 420 423। कैन यू हेयर दैट साउंड? ठीक है, आ रहा है। 424 किया, 5 हर्ट्ज़ का डिफरेंस। एक सेकेंड में 5 बार बीट्स आएगा। सो बीट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। सो हियर वी हैव टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। दो वेव्स है, एम्पलीट्यूड सेम है। ये बंद कर, हाँ वाला चालू है। वी हैव टू साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव या स्टेशनरी वेव? साउंड वेव अभी इसमें से जो निकल रही है वो प्रोग्रेसिव है स्टेशनरी है? प्रोग्रेसिव है। तो इक्वेशन क्या आएगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला इक्वेशन। या फिर आपको वो गंदा वाला इक्वेशन चाहिए तो ये ले लो, 2π एन टी माइनस के एक्स। ये मेरा पहला वेव का इक्वेशन है, इट्स अ प्रोग्रेसिव वेव। दोनों वेव में फ़र्क क्या है? हमने सेम लाउडनेस लिया है तो एम्पलीट्यूड इज सेम। तो दूसरा भी वेव जो है एम्पलीट्यूड सेम है, साइन का फंक्शन भी है। ठीक है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों ही साइन का फंक्शन है। यहाँ पर ये भी सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। एक था 420, दूसरा लिया था 421, 422, 423। तो दूसरे वाली वेव का फ्रीक्वेंसी स्लाइटली ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5 हर्ट्ज जितना। ठीक है, माइनस के एक्स। इसमें बाकी कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि साउंड है तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, एक्चुअली ये जो के वाला टर्म है ना, उसको भी हम लोगों ने क्या लिखना चाहिए बताएं? 2π माइनस एक्स बाय लैम्डा, है ना? सही बात है ना, क्योंकि k इज 2π बाय लैम्डा। तो ये x बाय लैम्डा, ये वाला फॉर्मेट आएगा। सही बात है, n1 और n2 क्या हो जाएंगे? उनके फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगे। ज़रा टेक्स्ट बुक दिखाना मुझे, इसमें लैम्डा के बारे में क्या बोला उन लोगों ने। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर लैम्डा भी तो चेंज होगा। तो ये लैम्डा 1 हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ साउंड, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज होता है, तो ये दोनों चीज़ें चेंज होने वाली है। लैम्डा 1 और n1, ये हो गए अपने y1 और y2। दीज आर द टू वेव्स। अब तक हमने जितना भी इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन किया है वेव्स का, उसमें दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता था, वेवलेंथ सेम होता था। ये वाला केस थोड़ा अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम अलग हो जाए और एम्पलीट्यूड सेम रहे तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिखती कैसी है ये वेव? फर्स्ट वाली वेव अगर मैं प्रेशर डायग्राम बनाऊँ तो दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। प्रेशर डायग्राम, क्योंकि साउंड है तो हम प्रेशर डायग्राम बनाते हैं। दूसरा वेव भी ऐसे ही कुछ तो लगेगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा वेवलेंथ में। इसका वेवलेंथ अगर लैम्डा 1 है तो इसका वेवलेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लैम्डा 2 स्लाइटली ज़्यादा। तो डायग्राम में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। जब दोनों सुपर इम्पोज हो जाएगी, सो व्हाट यू विल गेट इज दिस काइंड ऑफ वेव। ठीक है, मेरा डायग्राम बहुत परफेक्ट नहीं है, इमेजिन कर लो। ठीक है, तो आपका जो दो साउंड वेव्स थे वो इंटरफेयर इस तरह से हो गए कि यू गेट दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट, दिस काइंड ऑफ वेव। ये तो मैंने सिर्फ एनवलप बनाया, एक्चुअल वेव ये है, दिस इज द वेव। सो यू गेट
instances when amplitude becomes maximum, overall sound बढ़ जाता है. This is called waxing. जहाँ पर आवाज़ बढ़ जाता है, ठीक है. और उसके बाद ये क्या है, वैनिंग, ठीक है. वाह तो वो ऊ है, ठीक है, जो सुनाई देता है ना, वाह तो वो ये, और ऊ मतलब ये, ठीक है. सो वैक्सिंग वैनिंग उसी तरह का आवाज़ आता है ना एम्बुलेंस जैसा थोड़ा बहुत, तो वो ये वैक्सिंग है, वैनिंग है, फिर वैक्सिंग. सो इट इज़ अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वैनिंग. एक वैक्सिंग और एक वैनिंग ये कंप्लीट हो गया, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज़ टी, टाइम पीरियड ऑफ बीट्स, और इसका 1/T करेंगे तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू N1 - N2. ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, हमने काउंट किया है ना. अगर मैंने 1 Hz का डिफरेंस रखा और घड़ी पे मैं चेक कर रहा हूँ तो हर सेकंड पे वो टिक कर रहा है, हर सेकंड पे वैक्स और वैन हो रहा है, ठीक है. तो ये हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे, मतलब मैथमेटिक्स का यूज़ करके. फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स, ठीक है. यस, शुरू करें फिर. तो ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन. बाकी सारे सुपरपोजिशन वाले डेरिवेशन में हमने यही किया है, दो इक्वेशंस लिखे, उसके बाद क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज y1 + y2, ये नेक्स्ट स्टेप होता है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज डालते हैं, a साइन 2π n1t माइनस x/λ1. ये चालू है क्या, देखो चल रहा है क्या, हाँ ये हो गया पहला वेव, प्लस दूसरा वेव भी यहीं लिख लो, a साइन 2π n2t माइनस x/λ2, सही है. मेरे दो वेव्स मैंने लिख लिए. अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है याद करो, हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस लिखते हैं फिर उसको ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. हर एक डेरिवेशन में थोड़े बहुत अलग अलग आइडेंटिटीज़ है, यहाँ पर भी कोई ना कोई तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगा. देख के क्या लग रहा है, sin c + sin d चल जाएगा क्या, चल जाएगा क्या, लग तो रहा है मेरे को चल जाएगा. कौन सा यूज़ किया इन लोग ने, ओके इन लोग ने और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. सिंप्लीफाई ये किया है कि लेट अस अज्यूम फॉर द सिंप्लिसिटी दैट लिसनर इज एट x = 0. सिंप्लिसिटी के लिए क्या पुट कर दिया, लिसनर इज एट x = 0. तो थोड़ा इक्वेशन छोटा हो जाएगा, तो यहीं पे कर लेना चाहिए था. इससे पहले ये लाइंस हटा देते हैं, अदरवाइज मैथमेटिक्स बहुत गंदा हो जाएगा, तो थोड़ा सिंपल कर लिया उन लोग ने. लेट्स अज्यूम हमारा जो लिसनर है, लिसनर इज एट x = 0. तो फिर कहाँ पर चेंज आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स गायब हो जाएगी, इक्वेशन छोटे हो जाएंगे. सो y1 = a sin 2π n1t हो जाएगा, और ये वाली टर्म गायब हो रही है, y2 = a sin 2π n2t. ये थोड़ा आसान हो गया समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यू विल गेट लॉट ऑफ टर्म्स, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आ जाएगा उसमें, ठीक है. तो ये छोटे छोटे इक्वेशंस बन गए, और फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट वही लिखेंगे, y1 + y2, y = बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y1 + y2 होता है, दोनों को ऐड कर दो, y1 ये है और y2 ये है, छोटे छोटे इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करना आसान है. sin 2π n1t + a sin 2π n2t. अब क्या करेंगे, ये sin c + sin d फॉर्मेट है, फॉर्मूला याद कर लो sin c + sin d का, sin c + sin d ये फॉर्मूला चलेगा क्या, देखो तो ज़रा क्या फॉर्मूला है sin c + sin d, 2 sin c + d/2 cos c - d/2, सही है क्या, मेरे को फॉर्मूला नहीं आता है, देख लो सही है ना. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2a, a तो कॉमन है 2 उधर का, c + d/2, इन दोनों का एडिशन बाय 2 करोगे तो 2π n1 + n2t/2, हाँ बाय 2, सही है.
साइन तो लिखना रह गया है, एक मिनट रुक जाओ, वापस से लिख देता हूँ। 2a साइन c प्लस डी बाई टू, दोनों का एडिशन अपॉन टू, सो 2 बाय एन वन प्लस एन टू टी बाई टू, ये हो गया पहला टर्म। कॉस c माइनस डी बाई टू, कॉस क्या करते हैं, कॉस 2 बाय एन वन माइनस एन टू टी बाई टू, सही है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 2-2 कट हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको और ओरिजिनल इक्वेशन को कंपेयर करने पे आपको नज़र आएगा कि ये साइन वाला टर्म है, ये 2a cos वाले टर्म को एक ब्रैकेट में ले लेता है ना, और इसको कुछ और बोल लेता है, ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए हमको। एक मिनट रुक जाओ, क्या आ रहा है अपना आंसर, 2a cos n1 minus n2 t by 2, ठीक है, और 2 pi sin n1 plus n2 t by 2, सही है, ठीक है। अब इसको क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया इस वाले बंदे को, क्यों पुट किया वो पहले समझो। इस फॉर्मेट में इसको लाना है, ये रिजल्टेंट वेव है, ये ओरिजिनल वेव के फॉर्मेट में आना चाहिए, इसलिए हम लोग पुट कर रहे हैं लेट, या फिर पुट, किसको पुट करेंगे, 2a और cos 2 pi n1 minus n2 t by 2, ये पूरे टर्म को मैं a लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विच इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वो भी चेंज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। और इधर क्या लिखेंगे फिर, बचेगा क्या आपका इक्वेशन, y इक्वल टू बन जाएगा a साइन 2 पाई n1 प्लस n2 t बाई टू, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेव विच इज़ सेम एज ओरिजिनल वेव, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ओरिजिनल वेव जैसा है, मतलब रिजल्टेंट भी साउंड ही होगा, और ये लॉजिकल है, दो साउंड मिक्स होंगे तो साउंड ही तो बनेगा, और तो कुछ बन नहीं सकता, और यहाँ पर भी वही बता रहा है यहाँ पर। अब जो वैक्सिंग और वैनिंग का फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है हमें, है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कब वैक्सिंग होगा, और दो वैक्सिंग के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, दैट विल गिव यू फ्रीक्वेंसी। सेम वैनिंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, तो एक करके दिखाता हूँ, ये हो गया, दिस इज, इसको क्या लिखेंगे, द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, रिजल्टेंट वेव, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ साउंड वेव, है ना, ओरिजिनल वेव जैसी है वैसी साउंड वेव है, हैविंग एम्पलीट्यूड विच इज फंक्शन ऑफ टाइम विच चेंजेस विद टाइम, ठीक है। तो ये अपना हो गया कौन सी कंडीशन, दिस इज, ये देखो 6.37 इक्वेशन जो है ना, अच्छा इसको उन लोगों ने और सिंप्लीफाई किया, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया पता है, ए साइन, ये फ्रीक्वेंसीज का एडिशन है, सो इसको मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ, तो उन्होंने कुछ और नाम दे दिया, 2 पाई एन टी, ठीक है, एन वन प्लस एन टू अपॉन टू, ये जो एवरेज है, एवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको एन बोला है यहाँ पर, क्या एक और अजम्पशन कर दिया है, लेट एन वन प्लस एन टू अपॉन टू, इस एवरेज को हमने क्या लिख दिया है, एन लिख दिया, कुछ और नाम दे दिया, तो ओरिजिनल इक्वेशन इसके फॉर्मेट में बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। सो रिजल्टेंट वेव विल हैव फ्रीक्वेंसी एन विच इज़ एवरेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, है ना, एन वन प्लस एन टू अपॉन टू, एंड एम्पलीट्यूड इज टाइम वेराइंग, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, हियर एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय 2a cos 2 पाई एन वन माइनस एन टू अपॉन टू टी, ऐसे लिखा तो भी चलता है ना, लिख सकते हैं क्या मैथमेटिकली, इसको मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है ना, ओके। अब हम लोग ये देखेंगे, अब रिजल्टेंट वेव कैसा बनता है वो मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पर वापस से बना देता हूँ, रिजल्टेंट वेव लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव भी आप देख सकते हो, देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड ऑसिलोस्कोप, जिससे आप ये जो वेव्स है ना उनको उस डिवाइस के अंदर इनपुट करोगे तो आप उनका वेव फॉर्म देख सकते हो, ठीक है, और अच्छी बात यह है कि ऑसिलोस्कोप का भी प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, ठीक है, वो कितना एक्यूरेट है आई डोंट नो, तो वो ऐप से आपके माइक का इनपुट लेता है, तो आपके माइक के इनपुट से आप उस वेव फॉर्म को देख सकते हो, ठीक है, तो आपको 3 मोबाइल चाहिए होंगे, एक ऑसिलोस्कोप के लिए और 2 मोबाइल किसके लिए, ये जनरेट करने के लिए, ठीक है, ये वेव जनरेट करने के लिए, और फिर बाद में उसको चेक करो कि सच में ऐसा कुछ बन रहा है क्या। मैं ऑसिलोस्कोप का यूज़ करने वाला हूँ, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है उसके लिए,
इसके लिए नहीं करने वाले हम लोग. सो रिजल्टेंट वेव लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये वेव फॉर्म कहाँ से पता चलता है, तो ये इसको प्लॉट किया जा सकता है ऑसिलोस्कोप पे. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड कौन सी है, तो यहाँ पर ये वैक्सिंग हो रहा है और यहाँ पर ये वैनिंग हो रहा है, ये दोनों, और ये दोनों वैक्सिंग है ना. वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. तो एट वैक्सिंग, एट वैक्सिंग पॉइंट्स क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, मतलब कितनी हो सकती है मैक्सिमम, कॉस की वैल्यू 1 डाल दो तो ये हो जाएगी प्लस और माइनस 2 है, प्लस माइनस 1 होती है, कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 मैक्सिमम है, तो यहाँ डाल दोगे यू विल गेट a इक्वल टू प्लस माइनस 2 है. इधर डाल दो प्लस माइनस 2 a इक्वल टू 2 a कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 t. तो 2a 2a कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 अपॉन 2 t विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1. अब कॉस की वैल्यू कब प्लस माइनस 1 होती है ये आपको पता होना चाहिए. पता है क्या, कहाँ करो, यहाँ कर दो. कॉस की वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होती है ये बताओ. कॉस की वैल्यू माइनस 1 0 1. कॉस 0 कितना, कॉस 90 कितना, कॉस 180 कितना, ये बताया था क्या मैंने. माइनस 1 कॉस 180 के बाद कौन सा आता है, 270 आता है, 270 के बाद 360 एंड सो ऑन. अब इसको सिर्फ रेडियन में लिखना है, प्लस माइनस 1 चाहिए, मतलब ये वैल्यूज चाहिए. सो 0 पहला एंगल आएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 पाई एन 1 माइनस एन 2 अपॉन 2 इन टू टी इज इक्वल टू 0, पहली वैल्यू. नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 180. 180 मतलब कितना रेडियन में, हाँ पाई रेडियन. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बताओ, नेक्स्ट वैल्यू बताओ 2 पाई. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बताओ, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बताओ 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन एन पाई. सो अब हम लोग क्या करेंगे, कौन से समय पे, कौन से टाइम पे हमें वैक्सिंग मिल रहा है वो निकालेंगे. पहला वैक्स कौन से टाइम पे मिला, उसके बाद वाला वैक्स कौन से टाइम पे मिला, और उन दोनों का टाइम डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी टाइम पीरियड, और उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी. लॉजिक समझा. और वैक्सिंग के लिए जैसे कर रहे हैं, वैनिंग के लिए सेम कर सकते हो. सिर्फ यहाँ पर क्या डालोगे, 0 डालोगे, ये एंगल्स अलग आएंगे. 0 कहाँ पर आएंगे, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. ठीक है, चलो. सो टी वन, फर्स्ट वैक्सिंग ऑकर्स एट टी वन इक्वल टू, तो एट टी वन. ठीक है, तो टी वन की वैल्यू कितनी है, तो 2 पाई एन वन माइनस एन टू अपॉन 2 इन टू टी वन इक्वल टू 0, पहली वैल्यू लेंगे. तो मेरा टी वन इक्वल टू कितना आ रहा है, हाँ तो ये तो टर्म 0 नहीं हो सकती, तो टी वन 0 है, दिस इंप्लाइज टी वन इज 0. समझा. अब दूसरा निकालते हैं, टी टू निकालते हैं. नेक्स्ट वैक्सिंग ओकर सेट कहाँ पर होगा, टी टू पे होगा नेक्स्ट वैक्सिंग, उसके बाद वाला. तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पाई डाल देंगे, ये बारे पूरा इक्वेशन एज इट इज 2 पाई एन वन माइनस एन टू अपॉन टू टी टू, टी टू के लिए कर रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई. पाई और पाई कट हो गया, टू और टू कट हो जाएगा, टी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली टी थ्री इक्वल टू, अब टी थ्री ओरली निकालेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, टी थ्री निकालना है, तो ये टाइम्स टी थ्री इक्वल टू टू पाई, टू पाई टू पाई कट हो जाएगा, तो टी थ्री आ जाएगा मेरा, मतलब ये टर्म इन टू टी थ्री इक्वल टू वन आ जाएगा. सो टी थ्री इक्वल टू टू अपॉन एन वन माइनस एन टू, टू अपॉन एन वन माइनस एन टू. जिनको नहीं समझा वो ऐसे मैथमेटिक्स सॉल्व करके चेक कर सकता है. ठीक है, टी फोर कैसा आ जाएगा, टी फोर टी फाइव. लॉजिक समझ गए, वो कर सकते हो, उतना करने की जरूरत नहीं है. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ बीट्स इज टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू, कुछ भी लिख लो. टाइम डिफरेंस बिटवीन
सक्सेसिव वैक्सीन। सो टाइम पीरियड हो जाएगा टी, क्या है टाइम पीरियड, टी टू माइनस टी वन। टी टू कितना है, ये 1/N1 - N2, ये मेरा टी टू है। टी वन कितना है, जीरो, इसमें से जीरो माइनस करेंगे तो यही आएगा। सो दिस इज टाइम पीरियड, दिस देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज 1/ टाइम पीरियड। तो इसका 1/ करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमने वैक्सीन का फ्रीक्वेंसी निकाला। सेम स्टेप्स करना है, वैनिंग का फ्रीक्वेंसी लिखाना है, निकालना है और बताना है कि रनिंग का फ्रीक्वेंसी भी यही है, एंड दैट्स वाई द बीट फ्रीक्वेंसी इज सेम। क्योंकि वैक्सीन तो निकाल लिया, वैनिंग भी निकालना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो जो सेकेंड पार्ट है वैनिंग वाला, वो आपको करना है। क्या क्या पुट करोगे देख लो, यहाँ जीरो पुट करोगे, ठीक है। वैनिंग मतलब जहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है, तो यहाँ जीरो पुट कर दो। यहाँ जीरो पुट कर दोगे तो इस इक्वेशन में यहाँ पर जीरो आ जाएगा राइट साइड में, इस इक्वेशन में यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो के लिए एंगल के कौन सा है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू एंड सो ऑन, ऑड पाई बाई टू। फिर यहाँ टी वन ले लो, मतलब पहला वैल्यू पाई बाई टू लेके टी वन निकालो, फिर टी टू निकालो, और फिर टी टू माइनस टी वन करोगे तो यही आंसर आएगा। टी टू माइनस टी वन करने पे यही आएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। वो करके देखना है, एंड जब आपने वो भी प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट प्रूव कर दिया, यू कैन कंक्लूड दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, यस लिख लो। हाँ अरे उसको नाम दे दिया, एवरेज है ही ना, वो दिख ही रहा है फॉर्मूला में एवरेज, मैंने थोड़ी नहीं लिया, वो तो रिजल्ट आ रहा है एवरेज। उसका मतलब समझो, ये जो रिजल्ट है ना, इसका मीनिंग समझो। हमें ऐसा आवाज़ आता था, हाँ हो हाँ हो, ठीक है। तो वो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, लेकिन उस साउंड का भी एक फ्रीक्वेंसी था, वो फ्रीक्वेंसी ये था, है ना। हर साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो उस साउंड का दोनों का मिक्सिंग करने पे फ्रीक्वेंसी ये था, साउंड का जो आपको आवाज़ आई उस वेव का फ्रीक्वेंसी ये था, और कितनी बार वो वैक्स और वैन कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी ये है, है ना। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ये फ़र्क है। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है रिजल्टेंट साउंड, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज 151 पे डायग्राम्स दिया हुआ है, देखो है ना, रिजल्टेंट कैसा बनेगा वो दिया हुआ है आपको। एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, ये बीट्स तो हमने देख लिया, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो नंबर वन, मैं तीन या चार एप्लीकेशन है बस बता देता हूँ कौन से, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कुछ ठीक ठाक एप्लीकेशन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपने कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल देखो, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है उसको ट्यून नहीं करना पड़ता, जो एकॉस्टिक होता है इंस्ट्रूमेंट उसको ट्यून करना पड़ता है। तो उसको ट्यून कैसे करते हैं, दोज म्यूजिक म्यूजिशियंस ट्यून देयर इंस्ट्रूमेंट बाय लिसनिंग टू बीट्स। तो एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का बैकग्राउंड में चलता है उनका, वो तानपुरा जिसको बोलते हैं, तो वो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी एक बजाते हैं, एक डिवाइस है विच इज़ जनरली तानपुरा, या फिर एक म्यूज़िक बॉक्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसीज प्ले करता है, और ये अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ट्यून करता है कि वो उनको बीट सुनाई दे, बीट सुन रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। अब उसको ऐसे ट्यून करेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम होते होते कितना हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब फ्रीक्वेंसीज क्या हो गई, मैच हो गई, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी वो मैच हो गई, ठीक है। कुछ लोग अपने आवाज़ को, वॉइस को मैच करते हैं, अगर आपने वो क्या
क्या सारे गामा पा वगैरह आता है ना सीरियल, उसमें देखा होगा वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पहले क्या करते हैं वो पेटी पे अपना सुर जो होता है उसको लगाते हैं, मतलब पेटी पे कोई तो एक म्यूज़िक बजाएगा, कोई तो नोट बजाएंगे, और फिर उसके स्केल के हिसाब से अपना जो वॉइस स्केल होता है वो एडजस्ट करते हैं, तो दैट इज़ ट्यूनिंग। वहाँ पर भी वो लोग यही करते हैं, अपने कान से बीट फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज रडार एंड सोनार, ठीक है। फुल फॉर्म है रेडियो असिस्टेड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और ये रेडियो असिस्टेड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो दोनों काम कैसे करते हैं, रडार जो एरोप्लेन्स होते हैं, अगर कोई एरोप्लेन आ रहा है तो रडार का काम क्या है, इट सेंड्स आउट रेडियो फ्रीक्वेंसीज, रेडियो सिग्नल भेजता है, रेडियो सिग्नल देख नहीं सकते, उस एरोप्लेन से रिफ्लेक्ट होकर जब सिग्नल आता है, सिंस जाते वक्त सिग्नल, अगर एरोप्लेन रेस्ट पे है तो जाते वक्त सिग्नल जितना है उतना ही आते वक्त सिग्नल होगा सेम फ्रीक्वेंसी, बट सिंस एरोप्लेन इज मूविंग, जाते वक्त जो सिग्नल है और जब रिटर्न आता है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। सो द सेंट सिग्नल एंड द रिफ्लेक्टेड सिग्नल हैव डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी एंड दैट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट जेट प्लेन, तो उस जेट प्लेन का वेलोसिटी भी उससे डिटरमाइन कर सकता है। और सेम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं ट्रैफिक सिग्नल वाले, ट्रैफिक पुलिस, उनके पास एक स्पीड गन होता है अगर आपने देखा होगा, तो वो करते क्या है, अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो उसके सामने ऐसा स्पीड गन रखता है, तो स्पीड गन में से निकलता क्या है, साउंड सिग्नल निकलता है अल्ट्रासाउंड, उस व्हीकल से बाउंस बैक करके वापस आता है, जाते वक्त और वापस आते वक्त दोनों का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है बिकॉज द सोर्स इज मूविंग, या फिर आप बोल सकते हो कि जो व्हीकल है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो मूव कर रहा है, सो देर इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट मतलब क्या, देर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और वेव व्हेन सोर्स और ऑब्जर्वर और बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर और टूवर्ड्स ईच अदर, सो देर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट वॉज सेंट एंड द साउंड दैट वॉज रिसीव्ड, तो जब क्या हो जाएगा, दोनों में फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ जाएगा, यू विल हियर द बीट, और उस बीट को काउंट करके उसका स्पीड कैलकुलेट करता है, ठीक है। जितना बीट में डिफरेंस ज़्यादा उतना स्पीड ज़्यादा, सो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बीट उस केस में, सो दैट वे दिस बीट फ्रीक्वेंसी इज यूज। एंड थर्ड इज, आपने सुना होगा इको कार्डियोग्राम, ये सुना है क्या, मेडिकल में यूज़ करता है। और दूसरा होता है USG, अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर सोनोग्राफी, जो भी है। सो दीज यूजेस, दीज टू एप्लीकेशंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, साउंड जो होता है अल्ट्रासाउंड, उसको ह्यूमन बॉडी में से पास किया जाता है। इकोकार्डियोग्राम हमारे जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उसमें से ब्लड फ्लो कितना जा रहा है वो मेजर करता है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू साउंड को पास किया जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पर फेज डिफरेंसेज आ रहे हैं या फिर वहाँ पर बीट फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज है जिससे वो फेज डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, एंड दोज आर डिटेक्टेड यूजिंग सेंसिटिव डिटेक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। USG क्या काम करता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के फोटोग्राफ्स निकालता है, ठीक है। सो साउंड फोटोग्राफ होते हैं, साउंड रिफ्लेक्ट जैसे जैसे होते जाएगा उस हिसाब से कंप्यूटराइज फोटोग्राफ बनाया जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हर जगह बीट का यूज़ हो रहा है, सिर्फ बीट्स का नहीं, डॉपलर इफेक्ट प्लस बीट, दो इफेक्ट्स का यूज़ होते हैं यहाँ पर। सो दीज आर द एप्लीकेशंस, अपने बुक में थे 6.12, 6.13 कर सकते हो खुद, सिंपल क्वेश्चंस है। इसमें याद क्या रखना है कि जब N1 माइनस N2 लोगे तो बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी को N1 लेना है, छोटे वाले को N2 लेना है, इन क्वेश्चंस में इतना याद रखो बस। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये टॉपिक हट गया है बट मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है लाउडनेस। लाउडनेस मतलब क्या, ये ज़्यादा लाउड है और ये कम लाउड है, ठीक है। लाउडनेस जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। इन फिजिक्स वी मेजर लाउडनेस यूजिंग यूनिट डेसिबल। लाउडनेस के लिए यूनिट क्या है, डेसिबल। तो कुछ मेरे ख्याल से 80 डेसिबल तक ऑर्डिनरीली साउंड हम सुन सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर डेसिबल का यूनिट दिया हुआ है बीटा इक्वल टू 10 log I/I0। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, I0 इज द रेफरेंस इंटेंसिटी, ठीक है। एनीवेज इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। पिच क्या होता है, द फ्लैटनेस और श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड पिच। फ्लैटनेस मतलब अब मेरा जो साउंड है वो फ्लैट है। फीमेल साउंड कैसा होता है, श्रिल होता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड फ्लैट होता है, फ्लैट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है श्रिल। सो जो साउंड जितना फ्लैट या श्रिल है उसको हम लोग पिच के टर्म्स में बोलते हैं, ठीक है। हाई पिच, लो पिच,
सो मेल साउंड इज लो पिच साउंड, फीमेल साउंड इज हाई पिच साउंड. अगर ये बेंच मैं ऐसे ठोकूँ तो ये लो पिच होगा, और अगर मैं कोई सीटी बजाऊँ तो दैट विल बी हाई पिच. ठीक है, ड्रम बजा रहे तो लो पिच, सीटी बजाएंगे बांसुरी बजाएंगे तो दैट विल बी हाई पिच. क्वालिटी और टिम्बर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, क्वालिटी या टिम्बर क्या होता है. तो अगर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो, लेट अस से आपने कोई नोट प्ले किया, लेट अस से आपने सी नोट प्ले किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड होना चाहिए 260 हर्ट्ज़ के आसपास या फिर 256 हर्ट्ज़ जो भी है. बट अलॉन्ग विद दिस हायर मल्टीपल्स, लेट अस से दिस इज एन, सो 2n भी प्रेजेंट होता है, 3n भी प्रेजेंट होता है, 5n भी प्रेजेंट हो सकता है, कुछ केस में ओनली 3n 5 प्रेजेंट हो सकता है. सो दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स, है ना, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरटोन्स. सो फंडामेंटल प्लस ओवरटोन्स ये मिला के बनता है क्वालिटी, है ना. जितने हायर फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगे उतना वो साउंड का क्वालिटी बेटर. ठीक है, सो मोर इज द हार्मोनिक, मोर इज द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड. ठीक है, और टिम्बर से हमें क्या पता चलता है, दो सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड है, स्टिल यू विल फील देम डिफरेंटली, यू कैन सेंस देम डिफरेंटली बिकॉज ऑफ दीज हायर फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी साउंड. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही है कौन से टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लग टाइप, उसमें भी प्लग टाइप होता है, बो स्ट्रिंग टाइप होता है, स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप होता है. प्लग मतलब खींच के बजाओ, फिर बो मतलब वहाँ पर वायलिन जैसा बजाओ. ठीक है, स्ट्रक मतलब उसको ठोक के बजाओ, संतूर, है ना. विंड इंस्ट्रूमेंट में आता है फ्री विंड टाइप, एच टाइप, रेड रीड पाइप्स टाइप, ये बहुत सारे टाइप है. प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट मतलब तबला टाइप. ठीक है, ये हो गया आपका ब्रीफ में, मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, पढ़ लो, वैसे भी सिलेबस में नहीं है. ओके, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराता हूँ और कुछ थोड़ा सा पिछली चीज़ें जो रिकॉर्डेड वीडियोस में जो आपको मैंने पढ़ाई नहीं थी यहाँ क्लास में, उनमें से एक चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ. एंड द एक्सपेरिमेंट इज रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करेंगे अभी. है ना, अपने पास टाइम 15-20 मिनट है, देखो. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये है क्या पहले वो समझो. इफ यू हैव अ लॉन्ग ट्यूब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, यहाँ पर क्लोज है. ठीक है, तो किस तरह के इसमें स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं, इस तरह की. ये हो गया फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, याद है, ये मैंने पढ़ाया था. इसका डेरिवेशन सिर्फ नहीं कराया, वो डेरिवेशन मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में. सेकंड मोड कैसा होगा, मैं पहले दो मोड ही पढ़ाने वाला हूँ अभी आपको इस एक्सपेरिमेंट में. सेकंड मोड में क्या हो जाएगा, यू विल हैव वन मोर लूप. ठीक है, इस पाइप का लेंथ एल है, स्मॉल एल, एंड एक्चुअल लेंथ, वाइब्रेटिंग लेंथ इज स्मॉल एल प्लस ई, वेर ई इज द एंड करेक्शन. ये एंटी नोड होता है, ये नोड होता है. एंड करेक्शन क्या है, तो आइडियली एंटी नोड यहाँ होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर होता है यहाँ पर. एंड दैट डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज ई, विच इज कॉल्ड एंड करेक्शन. एंड करेक्शन इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द पाइप. ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही है सारा सिचुएशन. सो वी विल कंसिडर दिस कैपिटल एल. ठीक है, और कैपिटल एल क्या है वो आप याद रखो. ओके, नाउ दिस लुक्स लाइक, अगर मेरा एक वेव ऐसा कुछ तो है, तो उसका ये वाला हिस्सा कितना है, इट इज़ दिस मच, यही पोर्शन है. इसका वेवलेंथ लैम्डा, तो ये लैम्डा बाई टू, ये कितना, लैम्डा बाई फोर. देख लो, दिस इज लैम्डा वन वेवलेंथ, ये हाफ वेवलेंथ, तो ये उसका 1/4 है. सो दिस इज लैम्डा नॉट बाई फोर. लैम्डा नॉट क्यों, बिकॉज दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. उसके बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल है उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा 1 लिख देंगे, और ये कितना है, 1/4, सही बात है ना, ये 1/4 है. सो दिस इज 1/4, 2/4, और ये 3/4, 3 लैम्डा बाई 4. ठीक है, अब हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू वी इक्वल टू एन लैम्डा होता है. मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एन इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी बाय लैम्डा. वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस एग्जाम्पल. सो फर्स्ट केस में, फर्स्ट मोड में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मैं फर्स्ट और सेकंड पढ़ा रहा हूँ, थर्ड आप कर लेना. ठीक है, तो फर्स्ट मोड में क्या हो जाएगा,
एन जीरो हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो की वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है एल, लेट अस कॉल दिस एज एल, है ना, इस पूरे को कैपिटल एल बोल देंगे एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय फोर, ठीक है, इसी को कैपिटल एल लिख रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय नॉट बाय फोर। लैम्डा नॉट क्या आ गया, फोर एल आ गया, सो एन नॉट आ गया आपका वी बाय फोर एल, इक्वेशन नंबर वन। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वॉट इज वैल्यू ऑफ वी, इस रूम में इस वक्त साउंड का वेलोसिटी 330 टू 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा। हम लोग कैलकुलेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के लिए 330 मीटर पर सेकेंड लेंगे, ठीक है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड वेरी करता है थ्रू आउट डे ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ड्यू टू लोकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से और टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है। तो हमारे रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट के और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स थोड़े से वेरी कर सकते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं वेरी करेंगे। ओके, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, सो एन वन लिख देंगे, वी बाय लैम्डा वन, और यहाँ पर लैम्डा वन कितना है, लैम्डा वन विल बी योर फोर एल बाई थ्री, देख लो एल इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई फोर, लिख देता हूँ ना, एल इज इक्वल टू, ये लेंथ इक्वल टू कितना, थ्री लैम्डा वन बाई फोर, सो लैम्डा वन कितना हो गया, लैम्डा वन हो गया फोर एल बाई थ्री, थ्री ऊपर डाल दिया एंड दिस इज थ्री टाइम्स फंडामेंटल, यस और नो। और अगला क्या होगा, नेक्स्ट वाला होगा एन टू विल बी फाइव टाइम्स फंडामेंटल। मैथमेटिक्स से करोगे तो नेक्स्ट जो ओवरटोन आएगा दैट विल बी फाइव टाइम्स फंडामेंटल। सो सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक। अब एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि सच में ये काम कर रहा है क्या। तो यहाँ पर अपने पास पाइप क्लोज एट वन एंड है, ठीक है, घर से उठाया हुआ है, ओके। अब क्या करेंगे, आइडियल पाइप नहीं है, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है, दिख रहा होगा आपको, बट एनीवेज स्टिल इट विल वर्क। सबसे पहले तो हम थेरोटिकली इसके फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे कहाँ पर हमें फंडामेंटल और नेक्स्ट ओवरटोन्स मिल रहे हैं, है ना, थेरोटिकली निकाल लेते हैं एंड देन वी विल डू द एक्सपेरिमेंट। थेरोटिकली निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी तो मैं लेने वाला हूँ 330, वेलोसिटी वी विल टेक, यहाँ पर वी इक्वल टू 330 ले लेंगे, और दूसरा एल इक्वल टू कितना लेंगे, चेक करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी इन मीटर, है ना, लेंथ शुड बी इन मीटर। ये मेरे पास टेप है, अंदर से मेजर कर लेते हैं, इनर लेंथ मेजर करते हैं क्योंकि वाइब्रेशन अंदर होने वाले हैं ना, तो अंदर का लेंथ मेजर कर लेते हैं, ठीक है। सो इट इज 96, थोड़ा सा ढंग से देख लेता हूँ मैं, कितना है, कहाँ गया रे, हाँ यहाँ पर रुका, ओके, कितना है ये, 96 है एग्जैक्ट, 96 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ पहले, बोर्ड पे डेटा लिखने जाता है, दिस इज स्मॉल एल, है ना, 96 सेंटीमीटर इज स्मॉल एल। अभी हमें और क्या चाहिए, 0.3 टाइम्स डी, तो डायमीटर भी निकाल ले, इसका डायमीटर मेरे ख्याल से मैंने मेजर किया था 8 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सो डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपना कैपिटल एल हो जाएगा स्मॉल एल, दैट इज 0.96, है ना, सेंटीमीटर में, प्लस 0.3 टाइम्स डी, 0.08। ये कैलकुलेट कर लो, तो ज़रा कैलकुलेटर लगा के, और मेरे को फ्रीक्वेंसी जनरेटर दे दो, कर लो तो ज़रा कैलकुलेटर लगा के कितना आ रहा है, 8 + 24, सो दिस विल बी 0.96 प्लस 24, कितने, 2 और 1 3, सही है, सो दिस विल बी 0.984, सही है, ओके। अब मैं n0 निकाल लूँ, n0 कितना आएगा, 330 डिवाइड बाय 4, l कितना है, 0.984, करो तो कैलकुलेशन,
330 डिवाइड बाय 4 इनटू 0.984, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 टाइम्स 0.984 कितना आ रहा है, 4 टाइम्स 0.984 कितना आ रही है, 4 चौक 16 फिर 1 8 चौक 32 9 33 कितना 3.936 और ये डिवीजन करो 330 डिवाइड बाय 3.936 कितना आ रहा है 83.8 हर्ट्ज। ओके मुझे बताओ हम लोग 83 हर्ट्ज सुन पाएंगे क्या ढंग से, अपना रिस्पांस कम है अपने को पता है, हमने लास्ट टाइम किया था। तो इसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी N1 कितना होगा, इसका 3 टाइम्स होगा, N1 इज 3 टाइम्स फंडामेंटल, 3 टाइम्स 83.8 कितना हो रहा है 250, ये सुनाई देगा अपने को है ना 251 252 और इधर N2 कितना हो रहा है 5 टाइम्स 83.8 कितना हो रहा है 4, ये भी सुनाई देगा अपने को। ठीक है पहले दो, सेकेंड और थर्ड ये दोनों सुनते हैं, फर्स्ट ओवरटर्न सेकेंड ओवरटर्न, ये तो सुनाई नहीं देगा अपने को है ना, हमारे कान नहीं सुन सकते, हमारा रिस्पॉन्स कम है उसके लिए। चलो अब मुझे मेरे को दे दो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, फ्रीक्वेंसी जनरेटर दे दो। हाँ अभी करेंगे क्या ये समझो, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ये मेरे पास साउंड है, जब ये साउंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा देयर इज रेजोनेंस एंड यू विल हियर लाउडर साउंड कंपेयर टू नियर बाई फ्रीक्वेंसीज। अगर मैंने लेट अस से 251 हर्ट्ज ये उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर है उसके ऊपर लेके गए, 260 या 270 लेके गए तो आपको आवाज़ कम आएगा, 230 लेके गए आवाज़ कम आएगा, ये फ्रीक्वेंसी के ये जो भी ये तो थियोरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटली जो भी आएगी उस फ्रीक्वेंसी पे आपको पीक साउंड मिलेगा, यू विल लिसन अ लाउडर साउंड। चेक करते हैं वेदर इट वर्क्स और नॉट, 251 के आसपास ही मैं डाल देता हूँ डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब टाइम पास नहीं होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, अपने को माइक की भी जरूरत है ना। मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ये सोम ये हे माइक तिकडून धर, तिकडून इकडे ये धर, असं थोडं वर धर, वर म्हणजे हे बघ माईकचा माऊथ इकडे आहे, माऊथ त्या बाजूला पाहिजे, आत पाहिजे आत, असं थोडं असं ताणून घे ना त्याला, तेडामेडा करून टाकताय ना आपलाच माईक आहे, हां हां हा जो आहे ना फेस तो खालच्या बाजूला पाहिजे, ठीक आहे ओके 251 है तो ऑब्वियसली 251 एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है सर, एग्जैक्ट मैंने ट्रैक कर दिया 251.4 मैच तेरे को तो है थम इसे स्पीकर कुटे असं लांब धर त्याला, हे सोडून दे पाईप आणि याला जो आहे ना खूप मध्ये नको टाकू, तर डिस्टर्ब करतो तो सेटअप डिस्टर्ब करेल तो, थोडं असं वर ठेव हरकत नाही, नॉईज पिकअप करतो तो ठीक आहे, आपण नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी बघू, हे चांगली डिटेक्ट नाही होते,
बर यस दिस इज द मैचिंग फ्रिक्वेंसी. अभी 430 हर्ट्ज़ पे है. लाउडनेस सुनो, सारा सेटअप एज इट इज़ है, कोई लाउडनेस में चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ. 430 हर्ट्ज़ मतलब 419 के आगे का है, ठीक है. सो द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज अराउंड 430 और मोर देन दैट. तो देखो अभी ध्यान से क्या हुआ, आवाज़ बढ़ के घट गया. 430 से 450 हमने मूव किया. फोर फोर्टी सिक्स कहाँ पर पीक आ रहा है. 447, 446, 445, 444, 43, 42, 41. वापस से कम हो गया. सो एक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है. कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है. अराउंड 443 और 444, दैट इज़ द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अब ये हो गया आपका नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. इसका नेक्स्ट निकालना है तो हमारा कितना आ रहा है, एक्चुअल हमारा आ रहा है 443. लिउन टाको मार्कर कुट गया, 443 आ रहा है ये वाला, ठीक है. उसका नेक्स्ट क्या आएगा फिर, 443 और फंडामेंटल कितना है उसके हिसाब से फंडामेंटल कितना जाएगा. 443 डिवाइड बाय 5 करो तो कितना आ रहा है फंडामेंटल. 443 डिवाइड बाय 5 करो, फंडामेंटल कितना आ रहा है. 83 पेक्षा कम ही है ना, जस्ट 88. ओके ठीक है. और अभी उसका 7 टाइम्स कर दो. हाँ 7 टाइम्स द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. 7 टाइम्स 88 के लिए वर्क कितनी होता है, 616. तो नेक्स्ट अपना फ्रीक्वेंसी क्या आना चाहिए, चेक करते हैं. इसी के आसपास आएगा, आया 610, 616, 617, 625, 624. बहुत इरिटेटिंग है, ठीक है. सो वी आर गेटिंग रेजोनेंस एट दीज फ्रीक्वेंसीज, सही है. और बाकी फ्रीक्वेंसीज पे आवाज़ आ रहा है बट उतना नहीं जितना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है. एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड अगर चेक करना है, हमारे ह्यूमन ईयर्स का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है. एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड चेक करना तो क्या चाहिए, ऑसिलोस्कोप का ऐप डाउनलोड कर लो और फिर उसमें देखोगे तो यू विल सी द पीक, ठीक है. मेरे फ़ोन में है ऐप, मैं एक काम करता हूँ रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ. काटते हैं.